अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अपनी वीडियोस का आगाज़ करती हूँ और अभी टाइम हो गया तकरीबन, मैं शाम के टाइम तकरीबन 3:30 हो गए तो मैं वीडियोज़ का आगाज़ कर रही हूँ। दोपहर का खाना वगैरह तो हमारा हो गया था, तो हाँ मैंने सोचा कि मैं आज आपको ना अपनी शाम की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो मैं आज बनाऊंगी काले चने, क्योंकि सुबह से भिगो कर रखे हुए हैं तो गर्म मसाला नहीं है, गर्म मसाला तो वो मैं ले आऊंगी, तो दुकान से जाऊंगी वो ले आऊंगी, तो फिर आके आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने वैसे पहले भी बताया मैं किस तरह बनाती हूँ और आज भी वैसे ही बनाऊँगी जी। फ्रेंड्स, मैंने सुबह के भिगोए हुए देखे काफ़ी कल भी चुके, जैसे कि नरम थोड़े से हो गए और सुबह से भिगोए हो ना, तो इससे ये होता है कि अच्छे से गल जाते हैं जी। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया और इस टाइम ना बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि ये शाम का टाइम दरमियाना टाइम होता है ना, तो इस टाइम ना बच्चे ट्यूशन भी जा रहे होते हैं, उनकी माएँ बाहर निकल आती हैं और बच्चे ट्यूशन जा, यहाँ हमारे घर के पास ही हैं सामने, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, पूरी गली के बच्चे वहीं पे जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो इस वजह से ना काफ़ी गली में ना रश हो जाता है इस टाइम, क्योंकि 3:30 का टाइम होता है ना ट्यूशन का, तो इस वजह से रश हो जाता है और बाहर भी काफ़ी रश है औरतों का खास करके जी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सूरत हाल क्या है। जी फ्रेंड्स, दरवाज़ा मैं लगा लेती हूँ जी। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया बारिश किस तरह रश है और इस टाइम ना ट्यूशन का टाइम होता है ना, इस वजह से सभी ना बच्चों को ट्यूशन दूर दूर से छोड़ने भी आते हैं और इस वजह से औरतें वगैरह बाहर आ जाती है अभी, क्योंकि टाइम हो गया 3:00, मैं आपको बताती हूँ 35 मिनट हो गए हैं, तो इस वजह से हर कोई आ रहा जा रहा है, हम तो गर्मी है, चलो कोई बात नहीं, और घर में बैठ बैठ के भी ना इतनी बोरियत सी होती है ना, क्या करें। चलो हम चलते हैं दुकान पे और वहाँ से लेकर आएंगे हम गरम मसाला, और मसाले में हमें चाहिए लाल और लाल मिर्च कहने लगी थी, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, ये कुछ भी नहीं आज घर में है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हम लेकर आएंगे। तो फिर ये है कि फिर जल्दी हमारे गैस तो होती नहीं, सिलेंडर पे बनाना पड़ेगा, वो अभी बनाई या बाद में बनाई, इस वजह से ना सारा दिन गैस नहीं होती, तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं होती गैस आए चली ना जाए, गैस जब आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ से। गैस आती है 12:30 के बाद गैस आती है, उससे पहले गैस नहीं आती, सुबह चली जाती है तकरीबन 6:30, 6:15 या 6:30 इतने बजे चली जाती है, क्योंकि मैंने 7 बजे चाय बनानी होती है ना, तो चाय तो सुबह को, तो तब गैस नहीं होती, तो पता चल जाता है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की तरफ भी गैस इतना ही तंग करते हैं, 24 घंटे गैस ही नहीं आती जी। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको अपनी पूरी रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ सुबह से लेकर शाम तक की, तो दरअसल ना वो मैंने सुबह की आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर की थी रूटीन, और दोपहर के टाइम दरअसल ना हम घर में नहीं थे, हम कहीं गए हुए थे, वहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे थे, तकरीबन टाइम हो गया था 7:45 हम घर आए थे, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इस वजह से जो मैंने वीडियोस बनाई थी फिर वही मैंने पोस्ट कर दी थी, क्योंकि दोपहर का खाना तो हमने घर नहीं खाया था, हम गए थे अपनी कज़न की तरफ, वहीं पे ही खाना हो गया था हमारा, तो इस वजह से एमरजेंसी जाना पड़ा, उनकी कॉल आई थी कुछ मसला वगैरह था, तो इस वजह से हमें जाना पड़ा, तो वहाँ पर मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी, क्योंकि कुछ
प्रॉब्लम इस तरह की थी, इशू था, तो इस वजह से ना वहाँ पे वीडियोस बनाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं गई, जल्दी जल्दी मैं फिर वापस आ गई, तो इस वजह से वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं हुई। और जिस काम से गए थे वो काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, तो इस वजह से मैंने कहा मैं कल की वीडियो से अगर मैं घर आकर भी बनाती हूँ तो फिर ना टाइम काफ़ी हो जाना था, क्योंकि मैं डेली की वीडियोस बना रही हूँ और क्योंकि अक्सर वीडियोस मुझसे नहीं बन पा रही। तो कुछ चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं ना एक आधी एक्स्ट्रा वीडियोस बनाया करूँगी। तो इस वजह से बस यही था रीज़न, और जिसकी वजह से मैंने हाफ में ही वीडियो कांड भी नहीं किया ना अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को बोला। कल ऐसे ही वीडियो चलेगी, बन गया कोई बात नहीं, कल रीज़न बता दूँ कल की वीडियोस में। तो मैं आज की वीडियोस में आपको रीज़न बता दी है कि कल वीडियोस इस वजह से ही आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ दुकान पे और मसाला वगैरह ले आएंगे, तो यहाँ से मैं पैसे पकड़ लेती और चाबी और ताला भी। चलते हैं भाई, ये फ्रेंड जा रही मैं मसाला लेने। ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकली मसाला लेने के लिए, वैसे तो निकलती रहती हूँ। और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि शाम का टाइम है और शाम पे धूप भी नहीं है, वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, धूप तो नज़र ही नहीं आती इस टाइम, तो वैसे भी गर्मी में काफ़ी अच्छी खासी धूप होती है। धनिया तो फ्रेश फ्रेश है। जी फ्रेंड्स मैंने मसाले सभी ले लिए, तो अब हम चल रहे हैं घर को। धनिया तो काफ़ी फ्रेश फ्रेश मिला। ये फ्रेंड्स अब हमारी गली देखो सुनसान होगी, चलो दरवाज़ा लगा लेते हैं। जी फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियोस को यही एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकते हैं। तो मैं अभी घर आए हम तो वैन फ़ौरन ही मुझे हमारी कज़न की कॉल आ गई, एमरजेंसी जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी वीडियोस को यही एंड कर देती हूँ। तो ये होगा ना कि फिर मैं शाम को लेट हो जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो 1-2 घंटा तो लग जाएगा। तो सालन मैं ना आकर ही बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी मैं कल की वीडियोस में पोस्ट करूंगी, बनाऊंगी तो कल की वीडियोस में ऐड कर दूंगी। तो अभी हमें ना फ़ौरन ही जाना है, तो चलो ठीक मैं अपनी वीडियोज़ को यही एंड करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय।